हाजीपुर के सदर अस्पताल में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती मरीज को वार्ड बॉय ने कचरे के ढेर पर फेंक दिया। बताया जाता है कि युवक आग से झुलस गया था, इस पर उसे लालगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात में सुधार न होने पर डॉक्टर ने फौरन उसे सदर अस्पताल से रेफर कर दिया, लेकिन उस युवक को बेहतर इलाज तो नहीं मिला, उल्टा उसे कचरे के ढेर में मरने के लिए फेंक दिया गया। अस्पताल वालों का कहना है कि वार्ड अटेंडेंट की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। सिस्टम में भ्रष्टाचार से नाराज हाजीपुर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने एक शख्स पहुंच गया। उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाजीपुर कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सरकारी योजनाओं में घोटाले को लेकर करताहा थाना क्षेत्र का रहने वाला मिथिलेश कुमार आत्मदाह करने पहुंच गया। हालांकि मिथिलेश को पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया। अफसरों की कार्यप्रणाली लूट खसोट से नाराज मिथिलेश कुमार ने पुलिस के सामने ही जमकर हंगामा किया। मिथिलेश का कहना है कि सभी सरकारी योजनाओं में भारी घोटाला हो रहा है, लेकिन आधिकारिक जांच करने से परहेज कर रहे हैं। उसने कहा कि यदि सरकार के पदाधिकारी इसकी जांच नहीं करेंगे तो वो अपना जीवन समाप्त कर लेगा। इससे पहले मिथिलेश कुमार ने लालगंज प्रखंड पहुंचकर शुक्रवार को ग्रामीणों के साथ वीडियो का घेराव किया था। इस दौरान वीडियो व ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी हुई थी। इतनी ढीली प्रशासन हो तो जनता ऐसा कदम उठाने पर मजबूर क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।